हेलो हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, गूगल पे कस्टमर केयर से। हाँ जी बोलिए सर, आपको क्या प्रॉब्लम हुई है सर? मेरे को इधर इधर दुकान है पंडमुख में केरला। ओके, ये किधर है अपने ऑफिस से? इधर कौन सा ऑफिस? गूगल पे? हाँ गूगल पे का। इधर कोई ऑफिस है क्या? नहीं सर, केरला किस जगह में आप? मेरे को चाहिए तो ये अपने वो स्वाइप के लिए कार्ड है ना, फोटो स्कैन करने का। अच्छा, स्कैन करना, ठीक है सर। मेरे को दुकान है पल्लेमुख में। ओके ओके, आप गूगल पे। अपने गूगल पे बहुत आदमी आता है माल लेने का, पैसे का गूगल पे करने का, हमारे पास दूसरा काम फोटो नहीं है। तो गूगल पे आप यूज करते हैं सर? अभी अभी नहीं है, वो करने के लिए मैं बोलते बस। ओके ओके, आप कौन सा बैंक आपका इधर है कि दूसरा? फोन पे वाले का है, उसमें गूगल पे चलता है, वो अपने गूगल पे डायरेक्ट करने का तो अच्छा है, बोलने का दूसरा आदमी। फोन पे चलाते हैं? हाँ फोन पे, और दूसरा कार्ड में आता है। कोई बात नहीं, उसमें हो जाएगा। आप फोन पे को ओपन कीजिए। फोन पे को ओपन कीजिए। नहीं अपने वो गूगल पे देने का, गूगल पे करने का। तो गूगल पे आप अभी, आपके पास है अभी गूगल पे? नहीं है। तो फोन पे यूज करते हैं ना सर? फोन पे मेरे दुकान में देखने का है, तो कार्ड है ना वो स्कैन करने वाला। हाँ तो स्कैनर आपको दिया जाएगा सर, आपके पास अभी फोन पे है ना? फोन पे अभी नहीं, उसमें ही करना। अच्छा, कार्ड है आपका? कौन सा बैंक का कार्ड है आपका? एटीएम कार्ड? पंजाब नेशनल बैंक। हाँ तो पंजाब नेशनल बैंक का कार्ड है आपके पास? हाँ एक मिनट निकाल लीजिए, निकाल लीजिए एक मिनट। कार्ड के लिए? हाँ कार्ड एक मिनट निकालिए, आपको स्कैनर यहाँ से इशू किया जाएगा। वो नहीं है, मेरे को करना है जो इधर क्या बोलेगा वो डेस्कटॉप पे स्क्रीन डाल लगाएगा ना गूगल पे वाला, वो करने के लिए। आपका यहाँ से स्कैनर अवेलेबल किया जा रहा है, आप अपना कार्ड निकालिए। मेरे को करने का नहीं है, मतलब दुकान में रखने के लिए। हाँ सर, दुकान के लिए ही स्कैनर आपको चाहिए ना सर? दूसरा पार्टी का वो स्कैन करने का लगा, मेरे को नहीं, मेरा यूज करने का, मेरा अकाउंट में यूज करने का, गूगल पे करता है। हाँ, मेरे फोन में है। हाँ, पैसे तो नहीं, हमारे दुकान में वो सेल करेगा ना, वो करने के लिए पैसे देने का गूगल पे करने का आदमी। ठीक है सर, आपके दुकान के लिए ही इशू किया जा रहा, ठीक है? हाँ दुकान के लिए मिलने का, कोई आदमी है ना इधर? हाँ गूगल करता है, स्कैन करता है ना सर? हाँ करने का। हाँ, तो वही इशू किया जा रहा है। आप एक मिनट कार्ड को निकालिए। कार्ड निकाल लीजिए। कार्ड हमारे हाथ में नहीं है, घर पे है। घर पे है तो आप घर कितने बजे जाएंगे सर? नहीं कार्ड क्या करने का, वो मेरा अकाउंट गारंटेड आपका लिया जाएगा, इसके बाद ही आपको स्कैनर दिया जाएगा दुकान के लिए। अकाउंट नंबर चाहिए तो दुकान में देखने का, समझो नहीं अपने। आपको स्कैनर जो दिया जाएगा वो गारंटेड के तौर पर दिया जाएगा, यू हैव टू गिव मी गारंटेड। ओके मेरे को समझे नहीं क्या बोलने का, मालूम नहीं सर। ये स्कैनर आपको दुकान में रखने के लिए दिया जाएगा, ओके? लेकिन आपको एक गारंटेड लगेगा, गारंटेड। आप पंजाब नेशनल बैंक का बैंक यूज करते ना? बैंक यूज करने का। हाँ तो आपका कार्ड है ना पंजाब नेशनल बैंक का? वो कार्ड नहीं है, वो चेकबुक है, पासबुक है, वही से। क्या है? बुक है? हाँ पासबुक है। ओ तो गूगल पे आप यूज नहीं करते है ना? गूगल पे, फोन पे? फोन पे पहले था, अभी नहीं है। तो आपके फैमिली में कोई यूज कर रहा है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को यूज कर रहा है अभी? मैं यूज करने का दूसरे अकाउंट में, ये दूसरे अकाउंट में। नहीं दूसरा अकाउंट कौन सा है? वो पर्सनल एसबी अकाउंट है। कौन से बैंक का है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ तो उसमें आप गूगल पे यूज करते हैं ना? हाँ हो जाएगा उसका। गूगल पे ओपन कीजिए। इसमें वो यही फोन में है। हाँ कोई बात नहीं, बैलेंस चेक। हाँ स्टेट बैंक का बैलेंस चेक कर लीजिए, स्टेट बैंक का। हाँ बैंक बैलेंस देखने को तो ये अभी हमको चाहिए तो पंजाब नेशनल बैंक में। नहीं स्टेट बैंक में चेक कीजिए। आज का बैलेंस है?
हाँ स्टेट बैंक में चेक कीजिए बैलेंस क्या है गूगल पे स्टेट बैंक में। गूगल पे स्टेट बैंक में 75,000 रहेगा। हाँ 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 ओके ओके आप गूगल पे को ओपन कीजिए। मैंने वो तो करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने वो ओपन करेगा। पंजाब नेशनल बैंक का ही हो रहा है आपका। हाँ आप गूगल पे ओपन कीजिए स्टेट बैंक का। नहीं हमको चाहिए तो पंजाब नेशनल बैंक में। सर आपका पंजाब नेशनल बैंक का ही आपको इश्यू किया जा रहा है ठीक है। स्कैनर आपको पंजाब नेशनल बैंक से ही मिल रहा है ओके। हाँ ये चाहिए। हाँ तो आप स्टेट बैंक का गूगल पे ओपन कीजिए ना सर। ये बात करने के फोन में वो मेरे को मालूम नहीं है वो कैसे ओपन करने का। तो इसी फोन में है ना स्टेट बैंक का। इसमें ये पंजाब नेशनल बैंक का गूगल पे नंबर है गूगल पे है मेरे को। हाँ तो इस ओपन करो। हाँ ओपन करेगा एक मिनट। ओपन कर लिया सर। हाँ देखिए वहाँ पे न्यू पेमेंट है सर। न्यू पेमेंट को टच कीजिए। हाँ न्यू पेमेंट टच करने के बाद देखिए बैंक ट्रांसफर आया सर। बैंक ट्रांसफर। हाँ बैंक ट्रांसफर को टच कीजिए। हाँ यहाँ पे स्कैनर आईडी लिखिए। स्कैनर आईडी वहाँ पे लिखिए 91। इधर अकाउंट नंबर पे। अकाउंट नंबर में। हाँ अकाउंट देखिए बैंक ट्रांसफर टच करने के बाद अकाउंट नंबर आया। अकाउंट नंबर। हाँ वहाँ पे स्कैनर आईडी लिखिए 91 8 00 8 00 4 6 4 6 1 8 1 8 9 4 9 4 3 3। हाँ सेम वही नंबर इंटर कीजिए नीचे 91। इसके नीचे सेम वही नंबर डालिए 91 8 00 8 00 4 6 4 6 1 8 1 8 9 4 9 4 3। हाँ इसके नीचे देखिए IFSC कोड आया। हाँ कोड नहीं है। हाँ IFSC कोड आया सर। कोड IFSC कोड किधर का। हाँ वही इसी के नीचे। हाँ IFSC कोड। हाँ वहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखिए P Y T M 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6। इसके नीचे अपना नाम लिखिए सर। इसके नीचे अपना नाम लिखिए। अपना नाम लिखिए इसके नीचे। हाँ कंटिन्यू कीजिए कंटिन्यू कीजिए कंटिन्यू। नाम लिखने के बाद कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट नाम करने में। हाँ अपना नाम लिखिए नीचे। हाँ कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए 0 आया। हाँ 0 पे वहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखिए 5 डिजिट लास्ट का 5 डिजिट। इधर आपका देखिए 0 आया 0। हाँ 0 पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख 52 52 424 नंबर में। हाँ 0 पे लिखिए 0 पे 52 52 424 424। हाँ इसके नीचे देखिए व्हाट दिस फोर है नीचे एड ए नोट। इसके नीचे व्हाट दिस फोर है। नहीं क्या है एड अकाउंट। ये रुपीस है ना रुपीस 52 424। हाँ इसके नीचे क्या है व्हाट दिस फोर है ना व्हाट दिस फोर। नहीं क्या है
वो ऐसे निकल गया? नहीं, आप स्टेट में टच कीजिए, स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक को सिलेक्ट कीजिए। ये पैसे जाएंगे ना ऐसे करने का? नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं जाएगा आपका, ये स्कैनर के लिए आपका यहाँ से इश्यू किया जा रहा है, वो कोड है। कौन सा कोड है आपका? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यही है ना सर, 9495252424। कौन है? कौन सा है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर? ये दूसरा नंबर है। हाँ तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलिए। 8 9 1 8 9 1 8 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। एक मिनट सर, आप वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे 5 डिजिट का नंबर लिखिए, 2 3 0 पे लिखिए, 0 पे 2 3 1 2 1। हाँ, इसके नीचे देखिए वार्ड दिस फोर है? नहीं। हाँ, वहाँ पे लिखिए स्कैनर, SCANNAR स्कैनर। वन मिनट। ओके, लिखें? नहीं नहीं, वो नहीं है सर। आप गूगल पे खोले है ना सर? वो नंबर स्कैन नहीं है, एड नोट करना था। 1 2 1 2 3 है ना लास्ट डिजिट? हाँ हाँ, लास्ट का अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 2 3 है सर, 2 3 1 2 1। वो नंबर नहीं है क्या सर? कौन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है? लास्ट नंबर 1 2 1 2 3 है। हाँ तो वही उल्टा से लिखिए, 2 3 1 2 1। अच्छा, 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1। इसके नीचे वहाँ पे स्कैनर लिखिए, SCANNAR। कंटिन्यू कीजिए, प्रोसेस कीजिए। एक मिनट देखिए। हाँ, प्रोसेस कीजिए। SCANNAR। हाँ। अब एरो को टच कीजिए। कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करें। हाँ, अपना UPI पिन एंटर कीजिए। यूपीआई पिन करके तो पैसे जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, आपका पैसा नहीं जाएगा, इसमें पैसा नहीं जाएगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया गया है। अपना UPI पिन एंटर कीजिए। ये अमाउंट आएगा ना, 2 3 1 2 1 अमाउंट जाएगा ना? ये अमाउंट नहीं है सर, ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लास्ट का 5 डिजिट है, आप घबराते क्यों हैं? वहाँ पे इंटर UPI पिन। UPI पिन करके तो पैसे जाएगा ना, फिर कैसे करेगा सर? नहीं, आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा आपका। नहीं, वो अमाउंट का तो स्कैनर को पिन कर गया तो पूरा पैसे जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, आपका इसमें पैसा नहीं जाएगा, आपका इसमें स्कैनर इशू किया जा रहा है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 2 3 1 2 1 दिया है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अपना UPI पिन एंटर कीजिए सर। पिन करके तो पैसे जाएगा, ये तो प्रॉब्लम है, नहीं जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी। अपना UPI पिन का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, डोंट वरी। अपना UPI पिन एंटर कीजिए। एंटर कीजिए। UPI पिन एंटर कीजिए सर। पिन करने का तो प्रॉब्लम है, दूसरा आदमी है ना बजने का? क्या सर? इधर लोकल आदमी है ना, वो अपने सेल्समैन कोई? सर, आपका यहाँ से प्रोसेस में ले लिया गया है, डोंट वरी, दिस इज गूगल पे। बहुत उल्टा है, बहुत प्रॉब्लम है, फ्रॉड है, बहुत प्रॉब्लम है। आप तो ठीक है, हमको प्रॉब्लम है। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट सर, दिस इज गूगल पे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर। ओके, आपका कहीं भी कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डोंट वरी। नहीं, प्रॉब्लम है? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें।
क्योंकि मेरे को एक आदमी भेजने को तो अच्छा है, इधर भेजने को तो अच्छा है। सर आपका प्रोसेस ले लिया गया है, सर आपका प्रोसेस ले लिया गया, इसके बाद आप एक सेकंड में चेक कर लेना बैलेंस आपका कहीं कुछ नहीं जा रहा है, डोंट वरी, अपना यूपीआई पिन इंटर कीजिए और चेक कर लीजिए। इंटर गए तो चेक नहीं है ना, वो रहा वो जाएगा ना? नहीं जाएगा सर, आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, आप घबराते क्यों है सर, डोंट वरी, दिस इज गूगल पे सर। हाँ अपना इंटर कीजिए, यूपीआई पिन इंटर कीजिए। यूपीआई पिन कर गए तो वो जाएगा ना? नहीं जाएगा, फाइनल है ना? नहीं नहीं नहीं, आपका कोई पैसा नहीं जाएगा सर, ये यूपीआई पिन आपका उसमें रहेगा, एडजस्ट किया हुआ रहेगा स्कैनर में, ठीक है, स्कैनर के लिए आपका ये यूपीआई पिन इंटर कीजिए। नहीं क्या करने का, यूपीआई पिन क्या करने का सर? सर यूपीआई पिन यहाँ पे तो आपको इशू करना होगा सर। यूपीआई पिन आपने अपने नहीं चाहिए ना, आपको कार में मेरे को चाहिए ना यूपीआई नंबर, आपको इधर करने का क्या करने का सर? ये यूपीआई पिन ये प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर, ओके, ये प्रॉब्लम प्लीज डोंट वरी सर, दिस गूगल कस्टमर केयर। बहुत फ्रॉड का, बहुत फ्रॉड करने का आदमी और पूरा आदमी, बहुत फ्रॉड आता है वो, तो मालूम नहीं, पिन नहीं करेगा, पिन नहीं, यूपीआई पिन नहीं करेगा, आपसे पिन पूछा नहीं जा रहा है सर, किसी को बताना नहीं है, प्लीज एंटर योर यूपीआई पिन एंड चेक योर बैलेंस नाउ। पिन करेगा तो अभी वो लेस कट हो जाएगा ना? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा आपका, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ, नहीं आप बोल रहे तो इधर पूरा आता है ना, प्रोसीड पे टू पे आता है ना, वो पिन करके तो पैसे जाएगा? नहीं पैसा जाएगा, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया गया है सर, 23121 आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ये, ठीक है, आप घबराइए नहीं, यूपीआई पिन एंटर कीजिए सर। नहीं नहीं वो पिन नहीं करेगा, डन, सॉरी सर, सॉरी।